हादसे में बांसखेड़ी निवासी एक बालिका की मृत्यु हो जाने के बाद यातायात पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं यातायात प्रभारी उमेश मिश्रा भी मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं उन्होंने वहां से निकल रहे बड़े वाहनों को भी चेक किया। यातायात थाना प्रभारी के अनुसार रेलवे द्वारा लगाया हुआ बैरिकेड ऊंचा है और वह रास्ता नो एंट्री में न होने के चलते यहां भारी वाहनों का आवागमन लगा रहता है। वहीं उन्होंने यह भी सुनिश्चित कराया कि जल्द ही इस रास्ते को बड़े वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कंटिन्यू कार्रवाई होना तो अपने आप बंद हो जाएंगे, बुला के क्यों? ट्रैफिक और ऐसी जो कल घटना हुई है जिसमें कि एक छोटी मासूम बच्ची का एक्सीडेंट हुआ और उसकी मृत्यु हो गई है, इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों का भी निर्देश था कि मैं स्वयं मौके पर जाके देखूं और इसमें क्या संभावनाएं हैं। जो गांव वालों से और यहां खड़े होकर मैंने भी कई लोगों से बातचीत की है तो उनका कहना है कि ट्रैक्टर और डंपर भी निकल आते हैं और यहां पे जो रेलवे के द्वारा ब्रिज के पास में एंगल लगाए गए हैं वो एंगल इतने ऊँचे हैं कि उनसे बड़े वाहन निकल आते हैं। और चूँकि ये नो एंट्री वाला एरिया नहीं है, इस क्षेत्र में कोई वाहन अगर आ रहा है तो वो नो एंट्री में नहीं है, इस वजह से ये वाहन यहाँ से निकलते हैं और अशोकनगर रोड पर निकल जाते हैं। इसके लिए प्रयास मैं ये करूँगा कि अभी जो हमारे शहर में चेकिंग के पॉइंट्स लगते हैं, हफ्ते में एक दो दिन यहाँ चेकिंग पॉइंट्स लगाएंगे और जो अवैध वाहन ऐसे निकल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।